नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलूना पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा और आपकी क्या है नॉलेज भी बेहतर होगी उस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो 6 क्वेश्चनों को देखिएगा जो आपके एग्जाम के क्या है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी हाल ही में कोई सा भी एग्जाम आ रहा है आपका, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आप पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो तो आप प्रॉफिट एवं लॉस में क्या है बिल्कुल 100% वर्क कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन का आपने आंसर दे पाते हो तो फ्रेंड्स, ऐसे ट्रिक देने वाला हूं आपके लिए कि आज के बाद प्रॉफिट एवं लॉस में क्या है आपके लिए बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। अगर आप खुद कर पाते हो तो आप प्रॉफिट एवं लॉस में क्या है 100% वर्क करोगे। अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो तो आपका अभी प्रॉफिट एवं लॉस क्या है कमज़ोर है। ठीक है, तो आज के बाद क्या है ये टॉपिक आपका कमज़ोर बिल्कुल नहीं रहने वाला है। तो हमारी हैकर सर की हैकर ट्रिक में आपका स्वागत है। ठीक है, तो कहते हैं कि इस क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन की कुछ जानकारी महत्वपूर्ण इसमें जो लिख रखा है उसे अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तब इसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तुओं का कोई वस्तु है उसका मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि मूल्य पर 28% की छूट देने पर 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य दे रखा है 224 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि अंकित मूल्य पर, ठीक है, कह रहा है अंकित मूल्य की, कह रहा है अंकित मूल्य करता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर क्या करता है छूट देता है और छूट के बाद भी वह कुछ प्रॉफिट या लाभ कमाता है, तो इसमें बस एक ही ट्रिक फॉलो होती है। ठीक है, इसमें क्या है सिर्फ एक ही ट्रिक फॉलो होती है, जहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट देगा और फिर भी लाभ कमाएगा। ठीक है, फिर भी लाभ कमाएगा तो सिर्फ एक ही ट्रिक फॉलो होगी, अदरवाइज कोई ट्रिक इसमें फॉलो नहीं होने वाली। ये बिल्कुल आप माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन क्या है बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है एग्जामिनर, क्योंकि यह क्वेश्चन क्या है थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है। लोग क्या करते हैं 100 मान के हर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो उनके माइंड में क्या हो जाता है कि भाई 100 मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को 100 मान के अगर करोगे तो बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए एग्जामिनर क्या है यह क्वेश्चन उठाता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे अंकित मूल्य पर। तो इसकी ट्रिक एक ही होती है, वो कौन सी होती है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। सीपी कितना होता है, ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, और बराबर में क्या होता है, इधर हो जाएगा हमारा एमआरपी। ठीक है, मार्क्स प्राइस, मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। बस इसमें हमें रख देना है, अगर इस ट्रिक में रख दिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी अंकित मूल्य पर छूट दे और उसके बाद छूट देने के बाद भी लाभ कमाए तो इस ट्रिक को बिल्कुल याद कर लेना कि यही ट्रिक फॉलो होगी, अदरवाइज बिल्कुल 100 से आपके लिए क्या है प्रॉब्लम हो जाएगी 100% मान के। ठीक है, तो आपको बस यही ट्रिक फॉलो करना है। तो बस इसमें मान क्या है रख दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, क्योंकि छूट यहीं पे हो रही है, डिस्काउंट यहीं पे दे रहे हैं, तो 28 इधर हो जाएगा। ठीक है, और 12 हमारा क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा। तो इधर की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, इधर बात करेंगे तो 112 हो जाएगा, और जब हम इधर की बात करेंगे तो 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो हमारा जो सीपी था वो कितना आया, हमारा 72 आ गया, और हमारा जो मार्क्स प्राइस था, ठीक है, वो हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ जाता है 112। जब हमारा मार्क्स प्राइस 112 है मगर जो अंकित मूल्य जो है वो कितना 112 दे रखा है, मगर वो कह रहा है अंकित मूल्य 112 ना होकर कितना है 124 दे रखा है, मतलब 224 दे रखा है। ठीक है, इसके कितने गुना, इसके 2 गुना। उसी प्रकार से ये भी सीपी मतलब क्रय मूल्य 72 ना होकर ये भी 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14 14। ठीक है, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा और ये 7 × 2 = 14 होगा, 144 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 144। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी ट्रिक इसमें फॉलो नहीं होने वाली है। तो आप माइंड में फिक्स कर लेना, कभी भी अंकित मूल्य पर एक बार छूट दे और फिर भी वो क्या करे प्रॉफिट कमाए, ठीक है, लॉस देकर भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो बस एक ही ट्रिक फॉलो कर लेना। ठीक है, सी पी, और इधर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, और इधर हमारा हो जाएगा MRP, ठीक है, मार्क्स प्राइस, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। बस यही ट्रिक फॉलो होगी, अदरवाइज कोई ट्रिक इसमें क्या है फॉलो होने वाली नहीं है। तो बस इसी ट्रिक को हमें फॉलो करना है। और एक बात मैं आपको अब बता दूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक प्रॉफिट एवं लॉस की एक शॉर्ट ट्रिक होती है,
इस प्रकार का क्वेश्चन अगर होता है तो वो हम सिर्फ इसी ट्रिक से करेंगे, अदरवाइज हम हैंडेड मानकर क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमेशा याद रखना, यह क्वेश्चन हो तो सिर्फ हमें क्या करना है, वही ट्रिक लगाना है, सी पी हंड्रेड माइनस डिस्काउंट और एम आर पी मतलब मार्क्स प्राइस बराबर में क्या हो जाएगा, हंड्रेड प्लस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का मकसद ही हैक करना एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अदरवाइज आप हंड्रेड मान के करोगे, बहुत जल्दी आंसर ले आओगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को क्या है, सिर्फ यही आपको मानना है बस। ठीक है, अदरवाइज जो भी शॉर्ट ट्रिक होती रहेंगी सारा की सारा प्रोवाइड करने वालों, बस बने रहिएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा, अदरवाइज कहीं आपके लिए जानकारी नहीं मिलने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, हाल ही में ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, आपके जो CGL एग्ज़ाम है वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला था, और भी UPP में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ठीक है, UPP जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी आया था, और CGL का भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसे किस प्रकार से करना, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, 8 से विभाजित, 11 से विभाजित, ठीक है, 4 से विभाजित, 2 से विभाजित, 11 से विभाजित, 3 से विभाजित, ये सारी की सारी क्या है, सब की सब ट्रिक यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, सारी की सारी ट्रिक मिलेंगी। अभी क्या है, आपके टेस्ट ले रहा हूँ कि किस प्रकार से कितने कवर आप कर पाते हो। ठीक है, अगर अच्छा कवर कर पाते हो तो आप बताइएगा, अगर अच्छा कवर नहीं कर पाते तो बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो कमेंट में बिल्कुल लिखना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि संख्या दे रखी है, ये संख्या, उसके बाद कह रहा है इसमें कोई एक्स है, खाली जगह क्या है, एक्स है, उसमें कह रहा है 8 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो एक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये NTPC और ग्रुप डी वालों के लिए। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम है उनमें भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि CGL में क्वेश्चन पूछा गया है, तो भी आपके एग्जाम में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। सिर्फ 2 सेकेंड लगता है इसके लिए, ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपको 2 से विभाजित पता है, 3 से विभाजित पता है, 4 से विभाजित पता है, तो आप 8 से विभाजित कर सकते हैं। अगर 8 से नहीं पता है तो, ठीक है, अगर 8 से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई कोई बात नहीं है। ठीक है, तो भी मैं आपके लिए ट्रिक देने वाला हूँ। बात करें यहाँ पे 8 से विभाजित की, तो 8 से विभाजित क्या होता है, 8 से वह संख्या चाहे कितनी बड़ी संख्या दे दे, यहाँ पे दे रखा है कि 100 दे रखा है, उसके बाद 5 दे रखा है, उसका एक्स दे रखा है, फिर 4 दे रखा है। तो अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो लास्ट वाली देख सकते हैं कि 2 से विभाजित है नहीं है। अगर हम 4 से विभाजित देखें तो दो अक्षरों को देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों संख्याएं मतलब कोई 50 है, 54 है या कितनी भी देखिए, वो 4 से विभाजित है या नहीं है। उसके बाद अगर हम 8 से विभाजित देखेंगे तो ये 3 संख्याओं को देखेंगे, ये 3 संख्याएं 8 से विभाजित हैं या फिर नहीं है। तो हम 8 से विभाजित क्या देखेंगे, 3 संख्या, ये वाली 3 संख्या देख लेंगे, तो कितनी हो जाएगी, 5, यहाँ पर क्या रखें और यहाँ पर 4, जो कि 8 से पूरी तरीका से विभाजित हो जाए। तो आप करोगे कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, छोटा पूर्णांक, तो हम 0 रखेंगे तो क्या विभाजित हो जाएगा, तो आप करोगे 8 छंग 48 हो जाएगा, बटे का 2 और 24 हो जाएगा, 8 × 8 = 24। तो बिल्कुल 0 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इससे भी सॉर्ट करना चाहते हैं कि हमें भाई ये कुछ नहीं करना पड़े, तो 8 को क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, 4 × 2 भी क्या होता है, 8 होता है, 4 × 2 भी क्या होता है, 8 होता है। अगर हमें 8 से विभाजित पता नहीं है और 2 का और 4 का हमें पता है भाई कि इस प्रकार से निकाला जाता है, तब भी हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे 2 से क्या होगा, जो भी लास्ट संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, कोई भी हो जाएगी, सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, तो भी 2 से विभाजित हो गई। ठीक है, उसके बाद करें 4 से कैसे देखेंगे, तो लास्ट की 2 संख्याएं देख लेते हैं। अगर हम 0 यहाँ पे रख देते हैं, 0 रख देते हैं और लास्ट में 4 रखते हैं, तो बिल्कुल कट जाएगी। ठीक है, 4 से कट जाएगी तो ये विभाजित हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोनों तरीका से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, 8 से विभाजित क्या होती है, 3 संख्याओं को ले लेते हैं और उन्हें काट के देख लेते हैं। 4 से विभाजित को होती है, लास्ट की 2 संख्याओं को देख लेते हैं और 4 से कट जाए तो हम लोग 4 से विभाजित है। अगर 2 की बात करें तो लास्ट संख्या अगर सम है और 0 है तो वो क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाती है। और 3 की बात करें तो सबको ऐड कर लेते हैं, 9 में भी सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 × 3 अगर 3 से विभाजित है तो 9 से विभाजित हो जाएगी वो, तो इस प्रकार से ये हो जाती हैं। तो सारी सारी देने वाला हूँ अगर आप करोगे। ठीक है, मैं क्या टॉपिक बाई टॉपिक भी पढ़ाऊंगा आपके लिए, मगर क्या है अभी मैंने वो मंगाया है जो लिखने वाला होता है। ठीक है, वो जैसे ही हमारे पास आ जाएगा हम आपके लिए क्या है बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इतनी अच्छी ट्रिक दूंगा आपके लिए जो अदरवाइज कहीं भी आपके लिए नहीं मिलेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 बेलन के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या दे रखा है 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप बेलन का आयतन जानते होगे तो ये क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई,
पाई आर स्क्वायर एच, तो इधर भी लिख लीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा, सेम है ठीक है। ये वन है, ये टू है, ये वन है, ये टू है। अब इसमें रख दीजिएगा आर वन का मान कौन सा है, ये वाला है, आर टू का मान कौन सा है, ये वाला है, एच वन का मान कौन सा है, ये वाला है, एच टू का मान कौन सा है, ये वाला है। तो अब इसमें रख देते हैं ठीक है, आर वन तीन, तीन तीन क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो नौ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा एच, एच वन तो कितना रखा है चार, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये वाले की स्क्वायर, तो चार चौक 16 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा नौ ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा नौ चौक 36 हो जाएंगे इधर ठीक है, और 16 में 144 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, जब 36 से कम 36 और 6 चौक 24 की 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1:4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1:4 ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारे के सारे जो भी आपके ज्यामिति में है ठीक है, वो सारे के सारे क्या है आपके लिए याद रखना है ठीक है, सारे के सारे क्या है आप याद कर लीजिएगा इनके सूत्र, कि आपका बेलन का कौन सा होता है, बेलन के सारे याद कर लीजिएगा, त्रिभुज का याद कर लीजिएगा, समकोण त्रिभुज का, समकोण वर्ग जो होता है ठीक है, वर्ग होता है, और सम चतुर्भुज होता है उसका बहुत पूछता है, जो सम चतुर्भुज क्या होता है इस प्रकार से होता है, उसकी जो D1 D2 ये बराबर होती है तो वो बहुत पूछता है एग्जाम में ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है बहुत पूछता है, सारे के सारे क्या है मैं आपके लिए देने वाला हूँ ठीक है, सारे के सारे प्रोवाइड हो जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही एग्जाम में रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन, आपके ऊपर छोड़ता हूँ बस, क्या है इसकी सोल्यूशन बता दूंगी, इस प्रकार से करना है ठीक है, ये आपको करना है ठीक है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकेंड में पार ठीक है, 12 सेकेंड में करती है, उसके बाद कह रहा है भी 170 मीटर लंबे पुल को क्या करती है 36 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो आपने किया भी होगा ठीक है। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, देखो रेलगाड़ी सिर्फ अगर रेलगाड़ी क्योंकि खंबे को पार करी तो इसका मतलब वह खुद को पार कर रही है, खुद को पार कितने में करती है 12 सेकेंड में पार कर लेती है ठीक है। वो कह रहा भी 170 मीटर लंबे पुल को कितने में करती है, ये 36 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई अभी 170 सेंटीमीटर, सीधी बात है वो दे रखा है। जब 170 मीटर पुल है तो अगर वो उस सुरंग से ठीक है उस पुल को पार करेगी तो खुद को भी पार करेगी, क्या करेगी खुद को भी पार करेगी, और खुद को पार कितने में कर रही है भाई 12 सेकंड में, 12 सेकंड यहाँ से घटा दीजिएगा, 12 सेकंड इसमें से घटा दीजिएगा, बचेगा आपका 24 ठीक है, बचेगा 24, और 24 जो है अभी किसका आगे सिर्फ पुल को पार करेगी ट्रेन, अब क्या करेगी सिर्फ पुल को पार करेगी तो कितना हो जाएगा 170 इधर, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो चाल ही हमें निकालने को कह रहा है, रेलगाड़ी चाल निकाल लीजिएगा, और समय कितना हो जाएगा 24, और घंटे में दे रखा होगा तो 18/5 से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, बस आपका आंसर आ जाएगा ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट आपके होने की पूरी संभावना, एक यू क्वेश्चन होता है ठीक है, और एक क्वेश्चन कौन सा होता है जो विकेट वाला होता है, कि कितने औसत रन बनाए अगली पारी में, 11वीं पारी में उसने इतने रन बनाए, तो वह क्वेश्चन भी क्या है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, वह भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो भी क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ आपके लिए, किस प्रकार से शॉर्ट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ठीक है, ये क्या है CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्या है आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 6 संख्याओं में प्रत्येक 5 संख्याओं का योग 6ठी संख्या का 7 गुना है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो 6ठी संख्या का मान क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है ये, सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा इसका, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका, इतना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाले, ये कह रहा है 6 संख्याओं में प्रत्येक 5 संख्याओं का योग 6ठी संख्या का 7 गुना है। मान लेते हैं कोई 5 संख्याएं दे रखी हैं, इधर 6 संख्याएं दे रखी है, ये संख्या दे रहा हूँ ठीक है, ये 5 मान ले, 6 मान ले, कुछ नहीं मानना हमें इसे ठीक है, सिर्फ यहाँ पर लिख रखा है बस कि ये 5 संख्याएं होंगी कोई, ये 6 संख्याएं होंगी। वो कह रहा है कि संख्याओं का योग, कह रहा है 5 संख्याओं का योग 6ठी संख्या के योग से 7 गुना है, जो 6ठी संख्या है वो 1 होगी भाई, क्योंकि ये वाली 7 गुना हो जाएगी, 5, ये 5 संख्या है वो 7 गुना है, और जो 6ठी है वो 1 गुना है, यही तो हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा फिर भी 8 गुना हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8 गुना, और वो कह रहा है 8 गुना नहीं है भाई, 136 गुना है ये, कितनी 136 गुना इसकी औसत दे रखी है, ये 8 यूनिट की, 8 यूनिट की 136 गुना औसत, कितना निकल के आया हमारा कि 7:1 बराबर कितना आया था 8,
और 8 की यूनिट क्या रहेगी, 136 औसत निकल के आई, और ये औसत हमारी टोटल दे रखी है 6 लोगों की, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे, 6 से करना होगा। और हमें निकालना क्या है, एक यूनिट का मान निकालना है हमें, क्योंकि 6 वाला इधर ही था और 5 वाली इधर थी, तो छठे वाले का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान निकालना है सब में। तो कैसे निकालेंगे देखो, अगर इस प्रकार समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार समझा दे रहा हूँ आपके लिए, फिर भी डबल समझा के दिखा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, और भी अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट था, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि उन संख्याओं का औसत कितना है, इतना 136 है। अब आप क्या करोगे, संख्याओं का जो योग है वो कैसे निकालेंगे, 136 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तभी तो निकल के आएगा, तो वही तो मैंने वहाँ पर कर रहा था, ठीक है, बस यही समझाने के यहाँ पर मैं आया था। तो कितना हो जाएगा, 5 संख्याएँ 6 संख्याओं का, यहाँ पे 1:7, ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएंगी, 8। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 136 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसे 8 से इसे काटेंगे तो कितना जाएगा, 8 एकम 8 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, और जाएगा आपका 56, 8 7 56, ठीक है, और मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। एक यूनिट बराबर कितने के, ये निकल के आ जाएगा हमारा 6 यूनिट का, दिखा है 7 का निकालते, जो 5 का निकालने को कहते हैं तो 5 का निकाल लेते, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 6 42, और 2 4 हासिल, ठीक है, और 6 6 4 10, 102 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 102 कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे ही कहे भाई 1 7 गुना है, यूनिट कर लीजिएगा आप, टोटल यूनिट 8 निकल के आ गई, ठीक है। तो 8 बराबर कितने के, 136 के, और 6 संख्याएँ हैं तो वही टोटल योग निकालेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि औसत दे रखा है ये। और जैसे ही 1 यूनिट का मान निकालना है तो 1 यूनिट का मान निकल आएगा आपका, कितना हो जाएगा, 102, बस ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है ये, और CGL में पूछा ये क्वेश्चन है ये, तो आप पे भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये। और क्वेश्चन है पर अब तो यहाँ पे ख़त्म क्वेश्चन हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इस प्रकार से अच्छे क्वेश्चन चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपके लिए एक टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर कोई भी टॉपिक से कोई जानकारी आपके लिए उपलब्ध होती है, अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है, तो आपके लिए वहाँ से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। शॉर्ट से शॉर्ट पढ़िएगा, अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी एग्ज़ाम में। मैथ के लिए मैथ क्या है, बिल्कुल बहुत इजी चीज़ होती है, उसी में छुपा हुआ होता है हर चीज़, मगर क्या उसे समझना होता है बस, कि किस प्रकार से हमें इसे समझना है बस। वह अगर आप समझ गए, कोई नॉलेज दे रहा है समझाने की, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल के लिए, ठीक है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।